हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी में टॉपिक्स आएंगे जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है, उसका वर्किंग एप्लीकेशन, और एक प्रैक्टिकल वीडियो है कि कैसे पीजो इलेक्ट्रिक काम करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एकोमुलेशन, मतलब जमा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि सिर्फ कुछ मटेरियल्स में पाया जाता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज तभी काम करेगा जब उस पर कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाए। तो ये डेफिनेशन है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगला स्लाइड है जिसमें हमें थोड़ा सा पता चलेगा ये किस तरह काम करता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो चार्ज डेवलप करेगा। जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो सेंटर में है, पी करके लिखा है, और फोर्स अप एंड डाउन दोनों तरफ से अप्लाई हो रहा है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, जिसके चलते उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, और रिजल्टिंग वो वोल्टेज डेवलप करता है। वोल्टेज डेवलप हुआ सिंस एक इलेक्ट्रिकल पाथ अगर उसको मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। इस केस में आप देख सकते हैं जो बल्ब है वहाँ पे केबल कनेक्ट किया हमने और वो ग्लो करता है। थ्योरेटिकल पे जाने से पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हमारे सामने क्वार्ट्ज का मटेरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन है जिसमें से सिर्फ हमने एक को ही कनेक्ट लिया है, और वो कनेक्टेड है मल्टीमीटर के साथ। प्रेजेंट वैल्यू कोई भी उस पर मैकेनिकल फोर्स नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो 0 वोल्ट या फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है तो 1 मिलीवोल्ट आ रहा है डीसी। ये चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, वोल्टेज डीसी में है, एसी में नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रॉपरली दिख रहा है VDC 1 मिलीवोल्ट्स, एक्चुअली 0 रहना चाहिए बट थोड़ा सा माल फंक्शन कह लीजिए। ओके, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तीन थे बट हमने सिर्फ सेंटर वाला जो है उसको कनेक्ट किया है। हैमर करना स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल फोर्स देते हैं 0 या फिर 1 मिली वोल्ट अभी। ओके, मैकेनिकल फोर्स का वैल्यू जितना ज़्यादा या कम रहेगा रीडिंग उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। तो 4-3 मिली वोल्ट्स हो रहा है। अब साइड से उसको थोड़ा मैकेनिकल फोर्स देने का ट्राई करते हैं, स्ट्रेस देने का ट्राई करते हैं। तो अब रीडिंग देखिए 4, 6, 9, 59 वैसा बढ़ता जा रहा है। तो यही प्रिंसिपल है, जितना मैकेनिकल फोर्स आप लगाएंगे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो उतना रहेगा। इसका वाइस वर्सा भी होता है, जितना वोल्टेज आप देंगे पीजो इलेक्ट्रिक को उसमें इतना डिफॉर्मेशन आता है, जो हम लोग आगे देखते हैं थ्योरी में। सो प्रैक्टिकल कुछ इस तरह ही था, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने के बाद वोल्टेज डेवलप हुआ। अब आते हैं हम लोग हमारे वापस से थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एबिलिटी है कुछ मटेरियल्स का जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज डेवलप होता है जब भी हम मैकेनिकल स्ट्रेस मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो पीजो एक ग्रीक वर्ड है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और उसका मीनिंग होता है दबाना, प्रेस करना या फिर पुश करना। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल। तो हमने वर्क करके देख लिया प्रैक्टिकल वीडियो में, तो बिल्कुल सेम है। जैसे ही मैकेनिकल फोर्स मैकेनिकल स्ट्रेस अगर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को लगेगा तो उसमें वोल्टेज डेवलप होता है, और वाइस वर्सा उसका उल्टा भी काम करता है। अगर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप वोल्टेज देते हैं एक्सटर्नली तो उसका शेप, उसका जो डायमेंशन है वो चेंज होता है। तो यही है वर्किंग प्रिंसिपल, बहुत ही सिंपल है और बहुत यूज़फुल भी है। लास्ट स्लाइड का कॉन्टिन्यूशन है ये स्लाइड, दैट इज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ दैट इट इज़ रिवर्सिबल, मतलब उल्टा भी काम करता है। जो हमने लास्ट स्लाइड में बात किया, अगर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं तो वोल्टेज डेवलप करता है, और अगर उसको एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जाए तो उसमें मैकेनिकल या फिर उसका शेप डायमेंशन चेंज होता है। तो ये था स्लाइड में। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
मेन मेड मटेरियल्स एंड नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स दोनों में पाया जाता है। नेचुरल अकरिंग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में सबसे कॉमन, सबसे फेमस नाम अगर आप कहें तो वो क्वार्ट्ज का है। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, इसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपको क्वार्ट्ज के। उसके बाद बर्लिनाइट, सुगा केन, रचल साल्ट, ईटीसी, बहुत सारे हैं जो कि नेचुरल में आते हैं। मैन मेड में भी हैं दो तीन, जो होता है बर्लियम टिटैनेट एंड लेड जिक्रोनेट, ये दो तीन नाम हैं। इनका एप्लीकेशन थोड़ा कम है क्योंकि वो नेचर को थोड़ा हार्म करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, आगे वाले स्लाइड में कवर कर लेंगे क्या लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में काम करता है, सच एज मेडिकल में आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में यूज़ होता है, साउंड वेव्स में यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमोटिव इंजीनियरिंग, सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़फुल है और डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इसको डिटेल में बात करते हैं अगले स्लाइड से। अगर तीन पार्ट में एप्लीकेशन को कैटेगराइज किया जाए तो हाई वोल्टेज एंड पावर सोर्सेज की तरह यूज़ किया जाता है, उसके बाद सेंसर्स में यूज़ होते हैं, और थर्डली पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी इनका बहुत बड़ा एप्लीकेशंस है। तो इस चीज़ को एक एक करके देखते हैं और उसके बाद जो सबसे कॉमन है उसको भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एवरी डे एप्लीकेशंस जहाँ पे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक देखते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है हाई वोल्टेज एंड पावर सोर्सेज की तरह यूज़ करना। तो राइट साइड में जो इमेज है उसको देख के आप काफ़ी क्लियर हो गए होंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक का डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो जो ये इलेक्ट्रिक लाइटर होता है उसमें यूज़ किया जाता है, और वो काम कैसे करता है, जब भी जो बटन है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, स्प्रिंग लोडेड हैमर रहता है और वो हैमर कनेक्ट रहता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ, तो जैसे ही उस पर हैमर प्रोड्यूस करेगा तो क्रिस्टल का साइज़ जो शेप है वो डिफॉर्म होता है, और जैसे ही डिफॉर्म हुआ मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा, पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज डेवलप करेगा और उसके चलते इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, और स्पार्क इस लाइटर को बर्न करने में, ग्लो करने में हेल्प करता है। तो एक ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है नीचे जिसको हम लोग ऊपर से प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ शेप डिफॉर्म हुआ, और दो जो केबल्स हैं ब्लैक कलर के वो गैस के जस्ट ऊपर रहते हैं जहाँ से गैस निकलता है, लिक्विड गैस, और उस स्पार्क से लिक्विड गैस बर्न होता है और कन्वर्ट करता है उसको फायर में। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके सामने है, बहुत यूज़ में अभी फ़िलहाल नहीं है पर मे बी इन फ्यूचर यूज़ में होगा, पीजो इलेक्ट्रिक शूज़। तो यहाँ पे भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहते हैं, जैसे आप वॉक करेंगे वो वोल्टेज डेवलप करता रहेगा, और उस वोल्टेज को भले ही कम रहे तो उसको आप अपने छोटे एप्लीकेशन लाइक मोबाइल चार्जिंग या फिर हैंड वॉच चार्जिंग उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छा एप्लीकेशन है पीजो इलेक्ट्रिक का। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत ही कॉमन है, हमने नोटिस किया होगा जब भी हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड के सेंटर में साइड में बल्ब ग्लो होते रहते हैं, तो उसको कोई एक्सटर्नल सप्लाई तो हम लोग देते नहीं हैं, तो यहाँ पे भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना काम दिखाता है। जब भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर हम कहें तो उस पर से कोई व्हीकल मूव करता है तो सेम प्रिंसिपल, उसके अंदर का जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका साइज डिफॉर्म, साइज चेंज होगा, डिफॉर्म होगा, और उसके चलते जो भी वोल्टेज डेवलप होता है, जनरेट होता है, उसको उसी बैटरी में स्टोर किया जाता है, और वो बैटरी कनेक्टेड रहता है जो LEDs है उनके साथ, तो कंटिन्यूस व्हीकल का मूवमेंट होता रहता है और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना काम करता रहता है, लाइट ग्लो होता रहता है। डांस फ्लोर भी एक काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है पीजो इलेक्ट्रिक का। तो जब भी कोई पैर से फ्लोर को हिट करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का लाइट जलता है, तो वहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही अपना काम करता है। तो ये सब कुछ बेसिक डे टू डे एप्लीकेशन थे। आते हैं नेक्स्ट एडवांस एप्लीकेशंस पे। सेकंड एप्लीकेशन था हमारा सेंसर्स में, वहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही यूज़फुल है। तो इसका जो जनरल एप्लीकेशन है वो होता है माइक्रोफोन में यूज़ किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इलेक्ट्रिकली एम्प्लीफाइड जो गिटार्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गिटार्स, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करता है। और उसके बाद अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये कुछ थे सेंसर्स के एप्लीकेशन।
लास्ट एप्लीकेशन है पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होता है, बहुत साइंटिफिक या फिर मेडिकल फील्ड में यूज़ हो सकता है इसका एप्लीकेशन, जहाँ पे माइक्रोमीटर्स के टर्म्स में मोटर का मूवमेंट हो वहाँ पे इस पर्टिकुलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन पीजो इलेक्ट्रिक के। फाइनल है लिमिटेशंस क्या क्या हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के। तो जो नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका तो कोई वैसा इफेक्ट नहीं है एनवायरनमेंट पे, पर जो मेन मेड है उनमें लेड कंटेंट होते हैं और लेड कंटेंट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जिसके चलते उसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को लिमिट किया जाता है, उसके यूज़ को लिमिट किया जाता है। तो ये सब था पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में, उसका एप्लीकेशन, वर्किंग एंड एवरीथिंग। सो इन केस इफ यू लाइक द वीडियो, आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।